वैसे तो ये मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, इसको क्या कहते हैं, ये है बैलून ट्री और इसके अंदर इस तरह से बैलून लगते हैं, देख ये इस तरह से, और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये ऐसे लटके हुए। लेकिन इस बार मैंने आपको क्या दिखाना था, ख़ास बात क्या थी कि ये ऐसे जब पक जाता है ना तो सूखता है और फिर उसके बाद में फटता है, इसके अंदर एक सीड होता है ऐसा, और ये सीड भी पंख वाला है, देखिए ऐसे लगता है कि कोई जानवर है। इसका कारण यह है कि ये अपनी प्रजाति को दूर दूर तक फैलाने के लिए इस तरह विकसित हुआ होगा। अब जब इसमें से गिरेगा तो ये हवा के साथ उड़ के इधर उधर जाएगा और खुद के खूब सारे साथी इकट्ठे करेगा। तो मुझे ये पर्सनली ना बहुत सुंदर लगता है। इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं वाइट कलर के, वो एक दूसरे पेड़ में लगे हैं, चलिए दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह के फ्लावर होते हैं, है ना खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। और सामने वादियाँ देखिए कितनी सुंदर।